प्रदर्शन कीजिए हमारे में, तो वीर बुद्धि बल में सबसे ज्यादा हनुमान जी ही है। वो सक्षम है, वो अपनी शक्ति खो चुके हैं, उनकी हम सभी मिलकर उनकी शक्ति याद दिलाएं। और हे हनुमान, आप अपनी शक्ति याद करें जो आप अपने बालपन में अपने खो दी थी। हे प्रभु, पापी हैं जो इस सोयोजन लंका को पार कर सकते हैं। हनुमान, आप शक्ति याद करें, याद करें, याद करें, याद ही हनुमान याद करें।
आप श्री राम की जय बोलने वाले आप कौन हैं? इस लंका नगरी में कहां से आए? मैं तो आकाश मार्ग से जा रहा था, आंगन में तुलसी का चौरा दे, प्राचीन में संत का चिन्ह दे, मैं समझ गया कि यह किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहल यह जानने की मेरी इतनी इच्छा हुई कि इस लंका नगरी में ऐसा कौन सा ऐसी वीर पुरुष है जो जय राम की जयकार करता है। तो मेरा गुरु मुझे बताइए, क्या आप राक्षस कुल के नहीं है? मैं राक्षस कुल ही हूँ, श्री राम की भक्ति करना हमारे अधिकार नहीं है क्या? श्री राम की भक्ति करने का अधिकार तो जीव मात्र के हरे प्रभु है। तो अपने भक्तों में भेदभाव जात पात ऊंच नीच का कोई भी सवाल नहीं रखते। रामचंद्र जी की भक्ति को देव दानव मानव तथा संसार का हर जीव जंतु करता है। भगवान की भक्ति बहुत ही अधिक सुलभ है, किंतु महत्व इस लंका नगरी में जहाँ पर अनेकों राक्षस राज करते हैं, वहाँ पर आप किस प्रकार जय राम की जयकार लगाते हैं और यहाँ रहने का साहस कैसे कर पाते हैं? जय राम जय राम जय जय राम। मैं राक्षस के करीब मेरे पिता श्री विश्वास ओ महाराज श्री रावण जी का छोटा भाई विभीषण और मैं लंकाधिपति अपन का छोटा भाई विभीषण। तो विभीषण महाराज, आप मुझे यह बताइए कि आप जय राम की जयकार क्यों लगा रहे थे? की जय जयकार प्रभु मेरे तीनों भाइयों ने मिलकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद मेरे दोनों भाइयों ने शक्ति मांगी थी और मैंने नारायण की भक्ति मांगी थी, किंतु महाशय उस समय ब्रह्मा जी ने मुझसे ये कहा था, जब पृथ्वी पर नारायण का जन्म होगा तब ही आपको श्री राम के दर्शन होंगे। ये ऐसा ही लगता है अब श्री राम के दर्शन मुझे अवश्य होंगे, मेरा उद्धार करेंगे। ओ हो, कितने विस्मय की बात है, अभी तक आपने प्रभु श्री राम को देखा तक नहीं है, उनकी भक्ति किए जा रहे हैं। धन्य हो विभीषण जी, धन्य है और धन्य है आपकी भक्ति। किंतु महाराज जी, आपने अभी तक मेरा परिचय और मेरे यहाँ आने का प्रयोजन नहीं पूछा। बताइए महाराज, आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? किस वजह से आए हैं? राजा जी, रावण नाम का एक राक्षस माता सीता को छल पूर्वक हर कर ले गया। बस हमारा श्री राम भगवान ने मुझे उन्हीं खोज में उस दिशा में भेजा है, परंतु मैं यहाँ रावण के हर मित्रों में माता सीता की खोज लगा चुका हूँ, क्योंकि मुझे माता सीता कहीं दिखाई नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि इस लंका नगरी में माता सीता इस लंका नगरी में आराम से सो रही होंगी? ऐसा नहीं है महाशय, इस लंका नगरी में सीता माता आराम पूर्वक नहीं रह रही, वो तो पंचवाटिका के अंदर वहाँ पर
बहुत सारे राक्षसों के बीच में यही हुई है और पतिव्रता स्त्री का पालन कर रही है। वो तो इस योग में है कि मेरे शब्द राम आएंगे और मुझे लेकर के जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि माता सीता के आसपास बहुत ही अधिक राक्षस हैं, यदि मैं इस समय ज्यादा हूँ तो मुझे उनसे करना पड़ेगा और मैं अभी नहीं करना चाहता। यदि रावण को तनिक भी शंका हुई कि भगवान राम के द्वारा भेजा गया कोई दूत माता सीता की खोज में आया है तो हो सकता है वह उन्हें किसी अन्य स्थान पर छुपा दे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सूर्योदय होने से पहले अपना अति नवग्रह धारण करके यही कहीं छुप कर माता सीता की खोज करता रहूँगा और जब माता सीता मुझे मिलेंगी तो मैं उन्हें सांत्वना देकर भगवान प्रभु श्री राम की कथा सुनाकर उनसे उनका परिचय पूछूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे माता सीता से खोज करनी है। क्योंकि लीला आप बहुत देर तक चल के बहुत सुंदर सुंदर लीला है, लेकिन आए हुए मेहमान का भी हमें स्वागत करना भी जरूरी है। क्योंकि जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं वैसे हमारे घर में भी आप हमारे मंच में भी हमारे मेहमान ही हैं। नेता वाक्य है, सबसे पहले हमारे परिवार के सदस्य हैं भाई विनाथ राठौर जी। और आपको बता दूं कि ये जो लीला का मंचन हो रहा है इसके संरक्षक भी वही है। इस मंच पे लीला जो प्रस्तुति हो रही है इसके माननीय गुलाब सिंह जी जो है संरक्षक हैं। और मैं अपने साथियों को कहूँगा कि माननीय राशि माधव का स्वागत करेंगे धर्मवीर जी। डीएम सिंह का स्वागत करेंगे दिनेश सोनी जी। महेश यादव के यहाँ पहले पकड़ो पकड़ो जल्दी से ताली बजाएगा तुम लोग पैसा तो मैं कितना देंगे। क्या नाम है? शिवन के 21 रुपया ताली बजाओ। क्या नाम है? दीपाली के 11 रुपया। क्या नाम है? अमन यादव काफी आके 11 रुपये ले पकड़ो। अब बाकी लोग लिख लो इकट्ठे बाद में लाऊ सर्दी को मैं टाइम बचा दूँ। राम उचित जी के 201 रुपया पकड़ो। देखो ये आज की रामलीला का भी इकट्ठा हो गया अभी सर 21 रुपये किनके हैं? सोनी के, अंशु के 21 रुपये। अरे ये बालक ये बच्चों के अंदर कितनी खुशी है। अब आप इनकी अम्मा को लग रहा होगा क्लास हम पहले चले जाते मेरे बच्चे जीत गए। ले क्या नाम है? कान्हा। कान्हा के ले सिद्धार्थ 11, कान्हा के 11, बिटिया के 11, त्रिविया के 11। क्या क्या नाम है? बाकी बैठ जाओ बाद में देना विराम लीला सब ठीक है। सच्चे दरबार की ये मैंने एक संदेश देने का काम किया है। मैंने कुछ बड़ी बात कहना बेटा शुक्रिया शुक्र ये मैंने ये कहा है इसको समझना कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दे नहीं पा रहे। जब हमारे बच्चे रात में बाहर चौराहे पर खेल रहे होते हैं तो हम उनकी चिंता नहीं करते कि अभी बच्चे मेरे चौराहे पर क्यों खेल रहे हैं। मेरे बच्चे देर सवेर आते हैं हम उनकी चिंता नहीं कर पाते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किला की प्राचीर से बात कहा था कि जितना हम अपनी बेटियों की चिंता करते हैं अगर आधा घंटा लेट हो जाए अगर हम अपने बेटों की चिंता करने लग जाए तो रास्ते में छेड़छाड़ी की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, चोरी और राजनीति की सारी कलेश दूर हो जाएंगे। हम वहां पर कहीं की चिंता सही नहीं कर पाते। और ये बात मैंने कहकर ये बात बताने का प्रयास किया है कि आपके बीच में बच्चे बैठे हुए उनके अंदर उत्साह देखे कितना आया, उनको ऐसा लगा कि मैं भी उस मंच तक जाकर के अपना अंशदान दूर जा सकता। तो क्या हम सब लोग नहीं सोच सकते? हम फेरी लगाते, रेडी लगाते, दुकान लगाते, रिक्शा चलाते, ई रिक्शा चलाते, ऑटो चलाते, गाड़ी चलाते, कुछ भी करते, धंधा भी कमाते रोज है, उसमें से अगर एक चुटकी भी बाहर निकाल के रखेंगे रोज तो बहुत कुछ हो जाएगा।
उपेंद्र जी, किशोर तरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत है। तो मैं ये बात कहने का कि एक रोज एक रुपया निकाल के रखो, एक रुपया मात्र। घर में अगर पति गुटखा भी खा रहा है, भाई लोग खा रहे हैं, तो वो भी आजकल 5 रुपए का आता है। पान भी खाता होगा वो भी 10 रुपए का आता है। बीड़ी भी पीता होगा वो भी 60 से 25-50 रुपए पी जाता है। भगवान के नाम पे आप 1 रुपया निकाल के नहीं रख सकते। महीने में कितना होता है? 30 रुपया। और 12 महीने कितना होता है? 360 रुपया। अगर रामलीला में आपने 360 रुपया भी पर घर से दे दिया और 1000 घर के दे दिए, तो 1,00,000 रुपया इकट्ठा हो जाता है। क्या इन्हें कहीं मांगने जाना पड़ेगा क्या? आपके 1 रुपए से कितना बड़ी रामलीला करी, आपके छोटे से अंशदान से कितना बड़ा धर्म का कार्य हो सकता है। अरे मोर, जीवन की आयु तो तुम्हारी पूरी हो चुकी है। जिस पाल से वो घमंड को हम जीता कर